शुरुआत एक नए चैनल के साथ। बातें तो पुरानी होगी मगर तरीका क्या है नया ही होगा। सो फिर से मैं बैक कर लिया हूँ मेरा डेली लाइफ को, और जैसे कि हर वीडियो में मैं कुछ आपको नया बताने को ट्राई करता हूँ। मैंने लास्ट कुछ दिनों से कुछ कंटेंट के ऊपर मैं रिसर्च आउट कर रहा था, फाइनली मैं मेरा कंटेंट मिल चुका है। और ये जो कंटेंट है आप सबको पता है, हर घर में आप लोग सुन रहे होंगे कि मास फायरिंग चल रहे हैं। अभी जिस किस को पूछो कि यहाँ पे फायरिंग हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल फायरिंग कर रहा है, मेटा फायरिंग कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट फायरिंग कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है कि हर कंपनी अभी फायरिंग कर रहा है। मेरा बेटा तो IITian है भाई, मेरे बेटे को कौन निकाल सकता है। रुक जा भाई, IITian हो या नीचे वाले कहीं पे भी पढ़ के आए हो, अगर दिमाग में उस स्किल्स नहीं है कंपनी तो निकालेगी। एट द एंड वो कंपनी है और उनको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहां से आएगा अगर वो कमाएंगे नहीं, प्रॉफिट करेंगे नहीं, टारगेट अचीव करेंगे नहीं, वो तो निकालेंगे। गाइस शांति शांति शांति। वीडियो आगे लेने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मेरा वीडियोस आपको वैल्यू एडन कर रहा है, आपके लाइफ में कुछ नया चीज जानने को अगर लग रहा है, तो प्लीज रेड कलर का एक बटन है उसको सब्सक्राइब बटन बोलते हैं, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए नहीं किए कि मैंने बोला, क्योंकि आपको ये जब सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप सबके लिए, मेरे को वो और एनर्जेटिक होगा मेरे लिए, और मैं और से अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को वैल्यू एड ऑन करूंगा लाइफ में। और ये मेरा दावा है आप लोगों को, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। और छोड़िए, आपको अगर अच्छा लगा तो कर ही लोगे, मुझे पता है आप लोग मुझे प्यार करते हो ना, प्यार करते हो ना, प्लीज लाइक कर लीजिए। एक छोटे से बच्चे के लिए छोटा सा सब्सक्राइब तो कर सकते हो आप लोगों को। सबको पता होगा 2020 जब पैंडेमिक चल रहा था, तब लोगों को लग रहा था कि अब जॉब चला जाएगा, जॉब चला जाएगा, बहुत सारा लोगों का जॉब गया था। बट आफ्टर दैट पैंडेमिक आप लोग देखे होंगे कि कितने सारा हायरिंग हुआ है, और एक साल दो साल आज 2023 हो चुका है, और अभी मास रेजिग्नेशन उस टाइम चल रहा था पैंडेमिक के टाइम, अभी मास फायरिंग चल रहे, एकदम इन्होंने वक्त बदल दी, पूरा जज्बात बदल दी, ऐसा क्यों? वो डायलॉग में से मत मार, ठीक है। हम लोग मास फायरिंग होने का वजह क्या है, और अभी मैं आपको मेरे वीडियो से आप लोग को ये पता चलेगा कि ये अभी जो लेऑफ्स चल रही है क्यों हो रही है, और कौन से डिपार्टमेंट इसके जो लेऑफ में ज्यादा अफेक्ट हो रही है, और कौन से डिपार्टमेंट ऐसी है जहां पे अभी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। इस वीडियो में पूरा एंड तक वीडियो देखना, मैं आप सबको पूरा डाटा पूरा बताऊंगा कि कहाँ पे लेऑफ्स हो रही है और कहाँ का डिमांड बढ़ रही है, और हम लोग को क्या क्या स्किल्स बिल्डअप चाहिए ताकि अपने जॉब सेफ में रहे। तो आगे आगे वीडियो देखते हैं, आप लोग सारा आंसर आपको एंड तक सब कुछ मिल जाएगा। शांति से अपने वीडियो का मजा लेते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। लगभग 900 कंपनीज अभी 1.5 लाख जॉब्स फायर हो चुका है, उनमें से कई दिग्गज वाला कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी आप सबको पता होगा, मेटा, जो अपने वर्कफोर्स का 13% लगभग अपने को 11,000 के आसपास उन्होंने जॉब्स निकाल चुके हैं। उसके बाद मेटा, मेटा ने भी मेटा माइक्रोसॉफ्ट ये सब 1,000 से 10,000 तक जॉब्स अभी निकाल चुके हैं। मतलब इतने सारे लेऑफ समझ के तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वो लोग भी लेऑफ कर रहे हैं, इसके पीछे के क्या रीजन है? आप लोग सोच रहे हो कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये सारी कंपनी कर रही है तो दूसरी कोई कंपनीज कर रहा है कि नहीं, बट इंडियन कंपनी तो सेफ ही होंगे। नहीं, इंडियन कंपनी जो इंडियन स्टार्टअप है उनमें से भी आप लोगों को मैं बता, जो लेऑफ्स में इंडियन कंपनीज का भी बहुत सारा कंपनीज, इंडियन जो स्टार्टअप है, बायजूस हो वो 2500 एम्प्लॉयज को निकाल चुका है, ब्लिंकिट वो भी 1500 एम्प्लॉयज को निकाल चुका है, अनअकैडमी वो भी 1300 के आसपास लगभग कंपनीज मतलब बंदों को निकाल चुका है, और वेदांतु वो भी 1000 जैसा निकाल चुका है। मतलब हर एक कंपनी इसके ज्यादातर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो अभी लेऑफ्स हो रही है वो है HR, ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन और अपना जो कंटेंट एंड कम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट होती है, उसके बाद आता है डाइवर्सिटी, जो कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी है वो, उसमें भी बहुत सारे लेऑफ्स हो रही है। एक साइट में बता रहा हूँ, layoffs.fyi, इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इन बिटवीन जो अभी लेऑफ्स हो रही है उनमें से 50% सेल्स एंड जो अपना कस्टमर सपोर्ट वाला डिपार्टमेंट होती है उन सबसे
ज्यादा ले ऑफ्स हुई है, उसके बाद अगर कुछ होता है वो टेराकोट जनरेट टेक एंड ऑपरेशन पार्ट में हुआ है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि खाली टेक्निकल में भी हो रहा है ले ऑफ्स, सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट में भी बहुत सारा जॉब्स अभी जा चुकी है। आज ट्विटर जैसी कंपनीज में 50% के आसपास लगभग प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट में, उनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट से ही वो लोग निकाल दिए हैं। और वहां पे और दूसरे जो छोटी छोटी पार्टी जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो और कम्युनिकेशन का हो, या तो अपना जो होता है क्या बोलते हैं, जो भी इंडियन से लगभग ट्विटर में लगभग 90% जो इंडियंस काम कर रहे थे उन सबको निकाल दिए, क्योंकि ये लोग इसके पार्ट थे, एचआर कम्युनिकेशंस और ये जो कस्टमर सपोर्ट हो, डाइवर्सिटी हो, ये सब डिपार्टमेंट में काम करते थे। ट्विटर जैसी कंपनीज इन सब के डिपार्टमेंट से निकाला गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों, इतने सारे लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब पैंडेमिक आया, कोविड जैसे पैंडेमिक अपने पास आया, वो लोग जानते हैं कि ये जो लेऑफ्स हो रही है उसका पीछे का एक्चुअली का रीजन क्या है। अमेजन जैसी कंपनी जो लास्ट कोविड के बाद वो 1 लाख जैसा हायरिंग किया है, नया हायरिंग किया है, जो कि उनका वर्कफोर्स का लगभग 80% ग्रोथ हो गया था। और अपना मेटा जैसे कंपनी अपने वर्कफोर्स में लगभग उन्होंने डबल हायरिंग किए थे। तो उस टाइम क्या था कि लोग सोशल मीडिया में ज्यादातर एक्टिव रहते थे, तो उनके लिए बहुत सारा डिमांड जनरेट हो गया था, तो वो लोग लगभग पेट भर के वो हायरिंग किए हैं। और अभी समय जब बीत गया, पैंडेमिक नॉर्मल हो गई, ऑफिस खुलने लगी, तो उन लोग का जो टारगेट है बहुत हाई हो गया था, क्योंकि इतने सारे हायरिंग करने के बाद उनका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि लोगों का ऑफिस ओपन हो गया है। तो धीरे धीरे उन लोगों का क्या है कि अभी उनका क्या है कि वो लोग सोशल मीडिया कंजम्पशन घट गया, मेटा का अपना टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो मेटा निकाल रहा है कंपनी से। तो ये लगभग नॉर्मल चीज है। उस टाइम का आपको देखोगे कि जैसे कि कंपनीज लाइक जूम और अपना टीम्स जैसे कंपनी 800-900% तक ग्रोथ हो रहा था, मतलब जिसको देखो टीम्स में मीटिंग ले रहा है, बायजूस जैसे कंपनीज टेक्स मतलब घर पे लोग बैठे हुए हैं उनको क्लासेस करा रहे हैं। तो ये सारी कंपनीज का क्या है ना, उस टाइम डिमांड थी, और अभी क्या है ना, पैंडेमिक ओवर हो गया तो वो डिमांड घट गई है, जिसके वजह से उनका जो जितना हायरिंग किए थे उसके वजह से वो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। पहले का कंपनीज में ऐसा बोला जाता कि आप लोग क्वालिटी देखिए, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, आप लोग प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। बट आजकल कंपनीज ये माइंडसेट हो गई है कि आप लोग को प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना होगा। कितना भी बड़ा कंपनी हो, उनको प्रॉफिट के हिसाब से दिख रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए दिखेंगे तो वर्कफोर्स घटेंगे ना भाई, क्योंकि कोविड 2 साल हो चुका है, अभी उन लोगों को चाहिए प्रॉफिट, तो वो लोग जो लोग के पास स्किल्स डेवलप नहीं हुए उनको तो निकालेंगे ही ना। क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर जो है कंपनीज जैसे कि स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बता रहा हूँ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो लगभग उस टाइम जो जब पीक टाइम था, जब डिमांड बहुत था, उस टाइम लगभग 38 बिलियन जैसा पे पहुंच गया था, बट अभी 27% लेस पे चल रहा है। तो इतने सारे अभी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी जो आईपीओस आ रही है, पहले 2020 के टाइम जो पैंडेमिक के टाइम में जो आईपीओस आ रहे थे बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे थे, 2021 का बात मैं कर रहा हूँ, हर कोई नया नया कंपनीज यूनिकॉर्न बने। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूनिकॉर्न मीन्स 1 बिलियन से ज्यादा उनका रेवेन्यू जनरेट होता था। आजकल आईपीओ लॉस में आ रहे हैं, लोग डर रहे हैं, आईपीओ कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उनका कंपनी को रिस्क है कि अगर आईपीओ लॉन्च करेंगे उनका कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाए तो उनका आईपीओ अभी नेगेटिव जा रहा है। सो ये सब रिस्क की वजह से अभी लेऑफ्स बहुत खतरनाक तेजी से चल रहा है। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे अभी लेऑफ्स नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट हो गया है, मैं आप लोगों को इस पॉइंट में। सो दोस्तों, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें अभी लेऑफ्स बिल्कुल नहीं हो रही है, वाकई उसमें ज्यादा हायरिंग हो रहा है, तो उसमें से है फुल स्टैक जो इंजीनियर्स है उन लोग के लिए है, डाटा एनालिटिक्स का जो जॉब्स है, डाटा एनालिटिक्स का जो रोल है, डाटा साइंटिस्ट का जो रोल है, बैकएंड इंजीनियर्स, फ्रंट एंड जो इंजीनियर्स है, और जो डेवलपर है, डेवऑप्स बोलते हैं, और ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसमें अभी हायरिंग दबा के हो रही है, मतलब अभी डिमांड बहुत बढ़ गई है ये सारे जॉब्स का। सो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप कोई भी सेक्टर में हो, एचआर में हो, सेल्स में हो, उसमें टेंशन नहीं लेने का, आपको ये बता रहा हूँ फ्यूचर इज एआई एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा ही रहेगा। सो आप लोगों को क्या करना है,
मान के चले कि आप एचआर के डिपार्टमेंट हो, आपको लगता है कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, वही रहेगा, बट आप लोगों को साइड में कुछ ना कुछ छोटा मोटा टेक्निकल टेक का स्किल्स डेवलप करना होगा, क्योंकि जो फ्यूचर में जो जितना स्किल्स में डेवलप्ड होगा उन्हीं सबको कंपनी लेगा। देखो कंपनी आपको मुफ्त में तो पैसा देगी नहीं, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। जब एआई आएगा ये सारा जॉब्स वगैरह में खतरा आ जाएगा, बट आप लोग के पास अगर वो स्पेशल स्किल्स और जो फ्यूचर ट्रेंड्स हो रही है, जो अभी फ्यूचर जनरेशन को जरूरत है, उसके स्किल्स अगर थोड़ा 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 करके डेवलप करके रखोगे तो आपका जॉब चल ही जाए ना, कोई लोड नहीं है आपको। आपका जॉब चला गया ना, आप ट्राई करिए लिंक्डइन यूज करिए ना, लिंक्डइन में आप लोग कनेक्शन बनाइए, नेटवर्क बनाइए, आपका जो कहीं पे भी काम करते हो आपका जो सीनियर से जहां से आपको लगता है कि जो उनके दोस्त लोग हैं, जहां पे कहीं पे मीटिंग में जाते हो, नेटवर्किंग बनाइए। नेटवर्किंग से ही आपको जॉब का कोई खतरा नहीं है। जॉब भले ही चला जाए, आपको मान के चले कि एक्स कंपनी आपको निकाल रही है, तो आप लिंक्डइन में आपका स्किल्स डेवलप करिए और दूसरी जॉब आपको बुलाएगी, क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट है। आपको ये कंपनी में आपके लिए आप अच्छा नहीं हो तो दूसरी कंपनी आपको लेके रहेगी, तो आपको स्किल सेट डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही होने वाला है। सो प्लीज दोस्तों, आप लोगों को स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, और फ्यूचर में क्या होने वाला है आप लोग उसका आइडिया रखिए। मैं धीरे धीरे आप लोगों को मेरे वीडियोस के माध्यम में बताऊंगा कि कौन सा जो चीज है अभी फ्यूचर में ट्रेंडिंग होने वाला है। अभी आप लोग चैट जीपीटी के बारे में तो सुन रहे होंगे कि क्या माहौल बन रहा है। अभी गूगल को भी वो मतलब झटका लग गया है कि ऐसा कुछ कोई बना दिया है, जो गूगल भी फाइट कर रही है धीरे धीरे। सो होप करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा और वैल्यू एड किया होगा आपके लाइफ में। और दोस्तों, जिसका भी जॉब चला गया है, डोंट वरी, हम लोग सब साथ में मिलेंगे, और आप लिंक्डइन में पोस्ट डालिए और हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर मेरे वीडियो आपको वैल्यू एड किया, सो प्लीज ये वीडियो को दूसरे लोगों के पास पहुंचाइए और शेयर करिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो होता रहे और आप लोगों को मैं मोटिवेट करता रहूंगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ।